हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2019 का पेपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है और पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे, पार्ट टू। तो जो पार्ट वन था, पार्ट वन में हमने स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या था, मिथाइल लिथियम ऑन रिएक्शन विद इथाइल ऑर्थो एसिटेट एस्टर एंड सब्सिक्वेंट प्रोटोनोलाइसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स लीड टू। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। मिथाइल लिथियम जो है वो इथाइल ऑर्थो एसिटेट, ऑर्थो एसिटेट के साथ बात कर रहा है, तो सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब किसके साथ होगी, सी एच थ्री एल आई के साथ, तो सी एच थ्री एल आई में ये माइनस, ये अटैक करेगा कार्बन के पास, यहाँ से एक ओ सी टू एच फाइव बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी एच थ्री सी सी एच थ्री, और दो बचेंगे ओ सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो हाइड्रोलाइसिस करने पर यह बन जाएगा यहाँ पर दोनों के दोनों ओ एच, ठीक है ना। और जब ओ एच होगा तो दो ओ एच एक साथ नहीं रहेंगे, यहाँ पर बन जाएगा कीटोन, तो इसमें क्या बनेगा, डाई मिथाइल कीटोन। तो इसका जो आंसर होगा 19 का आंसर कौन सा आंसर राइट होगा इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है ना, डाई मिथाइल कीटोन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन एनालोगस ऑफ इनोल्स आर कॉल्ड। तो जो नाइट्रोजन एनालोगस है इनोल्स के, देखो इनोल्स क्या था, इनोल्स था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके पास ओ एच, दिस इज इनोल, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ओ एच के प्लेस पे एन एस टू लगा दो, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे हो जाएगा एन एच टू। तो इसमें जो है ये जो इनोल्स होता है ये भी इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी ये जो है सी सी डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है ना। ये जो है आपका ये भी कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करता है, और जो नाइट्रोजन एनालोगस होगा इनोल को उसको हम बोलते हैं इनेमीन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, इनेमीन। देखो इनेमीन क्यों बोलते हैं, ये तो डबल बॉन्ड को तो बोल दिया हमने इन, और एन एच टू को बोल दिया हमने एमीन, तो क्या हो जाएगा ये इनेमीन, ठीक है। मस्टर्ड गैस, ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21, मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ इथाइलीन विद, ठीक है। मस्टर्ड गैस के लिए मैंने आपको बताया था सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, तो डी इज द राइट आंसर। और सल्फर मोनोक्लोराइड जो था एस सी एल होता है, बट ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एस सी एल जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स एस टू सी एल टू, और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, एस एस दो सी एल, ठीक है ना, दिस इज। तो ये हो जाएगा सल्फर मोनोक्लोराइड जो होता है एस टू सी एल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ SO3S ग्रुप दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो बेंजीन रिंग जो है मतलब कितने SO3S इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसके अंदर SO3S अगर वो एक जुड़ता है तो उसके बाद वो केवल मेटा डायरेक्टिंग होता है, और मेटा पोजिशन केवल कितनी होती है, यहाँ पर दो और हो जाएंगे इसके अलावा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम यहाँ पर तीन SO3S ग्रुप जुड़ सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ गैस। ये क्वेश्चन भी पहले बार बार आ चुका है, सी एच थ्री एस एच क्या है, मिथाइल थायोल, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कौन सी गैस है जो कि इनमें से कौन सी गैस होती है, और यही जो है ना इसी को हम यूज करते हैं एलपीजी की जो गैस होती है उसके अंदर के जैसे गैस का लीकेज होता है, गैस के लीकेज को पता करने के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं, तो मिथाइल थायोल का ही यूज करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम इन पायरोल। ये मैं आपको पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, पायरोल के अंदर जो ये एन होता है इसके पास लोन पेयर होता है, और ये क्या होता है, ये sp2 होता है, क्योंकि लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना। और जब किसी भी नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होते हैं तो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द नाइट्रेशन ऑफ पिरिडीन। देखो पिरिडीन जो है
पिरिडीन जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जब मैंने नाइट्रेशन की बात की थी तो मैंने आपसे बताया था कि पिरिडीन के अंदर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो कहाँ होता है वो थर्ड पोजिशन पे, पी थ्री पे, और पायरोल के अंदर क्या होता है पी टू पे। तो एन ओ टू अगर पायरोल का होता नाइट्रेशन तो यहाँ आता, और पिरिडीन का हुआ है तो वो कहाँ आएगा थर्ड पोजिशन पर। तो इसमें क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। समझ आई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन 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 बॉन्ड एटम इन पिरिडीन रिंग। देखो पिरिडीन रिंग के अंदर क्या होता है, नॉर्मली मैंने आपसे पहले ही बताया, ये क्वेश्चन भी पहले से रिपीट हुआ है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है डबल बॉन्ड की, ठीक है ना, वो मतलब जो जो बेंजीन के अंदर होती है, बेंजीन के अंदर जो होती है वो कितनी होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है 1.40 एंगस्ट्रॉम। बट पिरिडीन है तो नाइट्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 1.39, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी वो 1.39। समझ आई बात ये, ठीक है जी। इसके अंदर कितनी हो जाएगी 1.39। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट रेजोनेंस एनर्जी। देखो लीस्ट रेजोनेंस एनर्जी कौन रखता है इसमें से, रिंग जैसे कि मान लिया अगर मैं बात करूँ मोनोसाइक्लिक बेंजीन है और एक नेफ्थलीन है, ठीक है ना, तो बेंजीन सॉरी एनाटॉमिक्स है बेंजीन और नेफ्थलीन, इसमें से क्या होगा नेफ्थलीन के अंदर ज़्यादा बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, ज़्यादा कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस एनर्जी नेफ्थलीन की ज़्यादा होगी, बट पर रिंग बेंजीन की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रिंग की बात नहीं कर रहा वो, तो यहाँ पे पूछ रहा है रेजोनेंस एनर्जी जो है, तो जैसे कि मान लिया नेफ्थलीन और क्विनोलिन है, ये तो दो दो रिंग वाले हैं तो इनकी तो ज़्यादा होगी। बेंजीन और पिरिडीन की बात करेंगे तो पिरिडीन की रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर पिरिडीन से ज़्यादा है, ये आपको पता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, क्विनोलिन क्या होता है वीकर बेस, क्विनोलिन क्या होता है वीकर बेस होता है, ठीक है, क्विनोलिन क्या है एक वीकर बेस है। sp2 hybridized orbital में इसके लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेबल शुगर। ये टेबल शुगर भी बार बार आ रहा है, तो टेबल शुगर कौन होता है सुक्रोज, सुक्रोज इज टेबल शुगर, फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, ग्लूकोज इज ब्लड शुगर, मैनोज ही है, ठीक है ना, मैनोज भी क्या है शुगर ही है, वो डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्प सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, स्कार्प सिंथेसिस जब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था तो किसके लिए यूज करते थे हम इसको, क्विनोलिन के लिए, किसके लिए क्विनोलिन के लिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन, तो कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम हर्ट्ज में करते थे और सीपीएस में, तो क्या हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 32, इन इथेनॉल CH3CH2OH सिग्नल ऑफ OH प्रोटोन स्प्लिट्स इनटू, देखो एक बात समझो, जो एसिडिक प्रोटोन होते हैं ना एसिडिक, जैसे कि मान लें यहाँ पे ये OH का जुड़ा हुआ है, तो इस इनका जो होता है ये बहुत ज़्यादा डीशील्डेड होते हैं, ठीक है ना, और ये जो है ये अपनी पोजीशन पर रुक ही नहीं पाते, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है ना, जब भी अपनी पोजीशन पर रुकेंगे ही नहीं तो क्या होगा NMR इंस्ट्रूमेंट इनको डिटेक्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये कभी भी किसी के साथ कपलिंग नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है इसके साथ क्या होता है नो स्प्लिटिंग, ठीक है ना, तो 32 का क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड फ्लिपिंग। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पिन स्टेट यानी कि अगर जैसे कि NMR होता है उसमें क्या होता है अगर क्लॉकवाइज है तो डाउन द ग्रुप नीचे ग्राउंड स्टेट में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज तो एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम फ्लिपिंग, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन के लिए क्या है यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है, ये है CH3Li, ठीक है ना, क्या है ये CH3Li, CH3 क्या करेगा इसके पास अटैक करेगा और ये यहाँ पे आगे से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे CH3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OLi, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, तो सी इज द राइट आंसर 3° अल्कोहल। यानी कि अगर आपने कीटोन की रिएक्शन किसके साथ की मिथाइल लिथियम के साथ, तो क्या बनेगा 3° अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये फिर से आ गया फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है डाई इथाइल जिंक, क्या होता है डाई इथाइल जिंक इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 36, द ग्रिगनार्ड रिएजेंट
RMGX react with SiCl4 to give the compound X. The compound is, तो देखो जो SiCl4 है ये एक तरह से आप ऐसे मान के चलो जैसे कि CCl4 ही हो, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन की फैमिली का ही है। और जब यहाँ पे R माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो चार Cl है तो चार ही R अटैक कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये R4Si। यानी कि अगर ये R आपका CH3 है तो ये क्या बनाएगा, TMS टेट्रामिथाइल सीलेन, ये बनाएगा यहाँ पे R4S। समझ आ गई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखो CH3CH2Li, और जब ये CH3CH2Li CH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो CH2 होता है ना ये CO2 की तरह होता है, ठीक है। CH3CH2 ये माइनस है, ये अटैक करेगा इसके पास, यहाँ से ये आगे चला जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3CH2CO(-), और फिर ये अटैक करेगा किसके पास, ये जो CH3Br है। जब ये CH3Br के पास अटैक करेगा तो CH3 के पास अटैक करेगा, Br यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा CH3CH2COOCH3। तो देख लो इसमें क्या होगा, सॉरी अब यहाँ पे जो ये CO है ना, ये CO इसको O की जगह पे S कर दो, ये मैंने गलती से यहाँ पे O ही रख दिया, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन की तरह ही रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड S और ये बनेगा प्रोडक्ट। तो मैच कर लो इसको, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लग रहा था, तो इसको ध्यान से समझना है, सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। CH3CH यानी कि अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर दिया हुआ है कीटोन। तो मैंने आपसे कहा था जब अल्फा बीटा कीटोन होगा, कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता था, 1,4 एडिशन होता था। कौन सा, 1,4 एडिशन, ठीक है। यानी कि जो CH3 था वो CH3 कहाँ जुड़ता था आपका, फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि इसके पास, ठीक है ना, और ये आपका एज इट इज रहता था। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एक्सेस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेस में। तो अटैक आपका ये यहाँ भी करेगा और अटैक यहाँ भी करेगा, दोनों ही पोजीशन पर करेगा। तो जब दोनों पोजीशन पर अटैक करेगा तो दोनों बॉन्ड ही आपके रिड्यूस हो जाएंगे, ये आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और ये आपका OH में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि C इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे CH3 ने यहाँ अटैक कर दिया और यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पर OH बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर था सी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो जी आज का जो ये सेकंड पार्ट है इसमें हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोज, ठीक है। तो करते रहिए आप लोग, लाइक करिए, हम लोग भी आपको ऐसे ही जो है पेपर्स के सॉल्यूशंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज, लाइव सेशंस ऐसे ही लेते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।